तो दोस्तों बैटरी डिस्चार्ज मशीन को कैसे आपको यूज़ करना है, इसके बारे में आज का वीडियो है। एंड सबसे पहले देखिए डिस्चार्ज मशीन ये रहा, इसके साथ आपको ऐसा एक प्लग पॉइंट मिल जाता है, दो रेड एंड ब्लैक वायर मिलता है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, और ये वाला आपका टेम्परेचर सेंसर है। तो इसको मैं पहले जो AC प्लग है हम लोग का उसमें कनेक्ट करता हूँ। तो इधर पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन करके रखा है ये वाला। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने लाइन को ऑन कर दिया है। अभी मशीन के पीछे देखिए इधर पे एक स्विच है, ठीक है, इसको हम लोग दबाएंगे तो जो है मशीन हम लोग का ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं इसका फैन जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब मशीन ऑन हो गया है। एंड ये आपका कुछ ऐसा डिस्प्ले इधर पे आएगा, इस पर देख सकते हैं वोल्टेज, अभी कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं, इसके लिए वोल्टेज जीरो है, कोई भी चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसके लिए एम्पियर जीरो है, कितना वाट कंजम्पशन टाइम और टेम्परेचर, या अभी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर दिखाएगा क्योंकि नॉर्मल है, तो 31 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मेरे पास इधर पे एक 48 वोल्ट का बैटरी पैक है 24Ah का, तो इसको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, बस ये रेड वाला इस पर लगा दूँगा बैटरी का जो पॉजिटिव है, एंड बैटरी का जो नेगेटिव उसके साथ में ये जो ब्लैक कलर का वायर है इसको मैं लगा दूँगा बस। एक बात ध्यान के रखना पड़ेगा, बैटरी कनेक्शन से पहले आपका जो ये स्विच है ये मिडिल पे रहना चाहिए जो कि ऑफ पोजीशन है। अभी देखिए जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया इधर पे वोल्टेज शो करा है 52.6, ठीक है दोस्तों। अभी दो मोड पे इधर पे डिस्चार्ज हो सकता है, एक ज़्यादा एम्पियर का और एक कम एम्पियर का। अगर मैं ऊपर में ऐसे प्रेस करता हूँ तो इधर पर आप देख सकते हैं डिस्चार्ज करंट जा रहा है अप टू आपका 4 एम्पियर, ठीक है, 3.984 एम्पियर तक, और मिडिल पर तो ये ऑफ हो जाता है। नीचे प्रेस करूँगा तो ये जो डिस्चार्ज करंट है ये आपका जाएगा अप टू 2.69 एम्प्स। तो आपको इधर पे दो मोड मिल जाता है, करीब एक 4 एम्पियर वाला और एक करीब 2.5 एम्पियर वाला। तो आप जैसा चाहे इसको डिस्चार्ज उसी हिसाब से कर सकते हो। तो मैं पहले अभी हाई मोड पे इधर पे दे देता हूँ जहाँ पे 4 एम्पियर तक डिस्चार्ज हो रहा है। एंड इधर पे देखिए 0.00 इधर पे टाइम बताएगा, सपोज आपके बैटरी डिस्चार्ज होने में फुल डिस्चार्ज में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो इधर पर दिखा देगा। नेक्स्ट अभी देखिए 200 वाट पे ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, 200 वाट्स पे। और ये जो टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों इसको हम लोग इधर पे एक जगह पे टेप से लगा देंगे ताकि ये बैटरी का जो रियल टाइम टेम्परेचर है वो भी मेज़र कर पाए कितना हो रहा है। अभी देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, 0.05 Ah इधर पर है। हम लोग इस मेनू को दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो इधर पर कितना वाट आवर का कंजम्पशन है वो भी पता चल जाएगा, जैसे कि अभी 3.27 वाट आवर का कंजम्पशन हुआ है, और इसमें करेंगे तो 0.06 Ah, ठीक है। सपोज़ आपको ये वैल्यू को रीसेट करना या जीरो करना है तब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मिडिल पे लाइए ताकि डिस्चार्ज बंद हो जाए बैटरी का, और इस स्विच को प्रेस करके रखिए, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस आपको करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक जैसे कि देखा जीरो पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बैटरी डिस्चार्ज मशीन का यूज़ करना है। बाकी दोस्तों ये मशीन पे पीछे और कोई सिस्टम नहीं है, जो भी है सामने है, बस ये वाला एक स्विच और पीछे ऑन ऑफ का स्विच, ठीक है। दोस्तों टेम्परेचर सेंसर को देखिए मैंने इधर पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड बैटरी का रियल टेम्परेचर अभी देखिए 32 डिग्री है जो कि दिखा रहा है इधर पर। आप चाहते इसको BMS के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो BMS का ओरिजिनल टेम्परेचर जानने के लिए।